हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स एम बी देखिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ड्यूएल सिंप्लेक्स का एग्जांपल तो चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज ये मेरा वीडियो एंड तक देखिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं देखिए एग्जाम्पल क्या है यूज डुएल सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एल पी पी मैक्सिमाइेड इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस एक्स टू सब्जेक्ट टू एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर दैन ऑरिकल टू वन सेकेंड कंस्टेंट देखिए क्या है टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू ग्रेटर दैन ऑरको टू टू वेर एक्स वन कॉमर एक्स टू आर ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो ठीक है तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कौन से टाइप का है मैक्सिमाइजेशन टाइप का है और जो कंस्टेंट्स है वो कौन से टाइप के हैं ग्रेटर दैन और टू टाइप के कंस्टेंट है ठीक है तो देखिए जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखनी रहती है फर्स्ट थिंग कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो कौन से टाइप का है मिनिमाइजेशन टाइप या फिर मैक्सिमाइजेशन टाइप ठीक है तो यहाँ पे अगर मैक्सिमाइजेशन का है एग्जाम्पल तो उसको हम एज इट इज़ रखेंगे अगर आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन टाइप का है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मैक्सिमाइजेशन में ठीक है कैसे करेंगे मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा उसको हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो वो मिनिमाइजेशन का फंक्शन आपका कन्वर्ट हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन में ठीक है अभी यहाँ पे देखिए जो कंस्टेंट है वो कौन से टाइप के होने चाहिए लेस दैन इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट होने चाहिए अगर कंस्टेंट लेस देन और इक्वल टू टाइप के नहीं है तो आपको माइनस वन से मल्टीप्लाई करके उनको लेस दैन टू टाइप में कन्वर्ट करने हैं अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये अपने पास कितने कंस्टेंट है दो कंस्टेंट है कौन से टाइप के हैं ग्रेटर दैन टू टाइप के कंस्टेंट है तो इनको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा लेस दैन और इक्वल टू टाइप में ठीक है तो चलिए अभी हम क्या करते हैं इसका सोल्यूशन निकालते हैं मैक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस एक्स टू सब्जेक्ट टू अभी देखिए कंस्टेंट कौन से अपने ग्रेटर दैन इक्वल टू टाइप के उनको हमें कन्वर्ट करना है लेस दैन टू टाइप में तो कंस्टेंट देखिए कैसे हो जाएगी आपने माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन अरिक टू माइनस वन ये देखिए सेकंड कंस्टेंट कैसे होगा माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू लेस देन अरेको टू माइनस टू वेर एक्स वन एक्स टू आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ पे हमने क्या किया जो कंस्टेंट थे वो लेस देन इक्वल टू टाइप में कन्वर्ट कर दिया अभी हमें क्या करना है ये जो अपना जनरलाइज फॉर्म है उसको हमें कन्वर्ट करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो देखिए कैसे हो जाएगा मैक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स वन माइनस एक्स टू सब्जेक्ट टू देखिए अभी क्या है यहाँ पे लेस देना इक्वल टू टाइप के कंस्टेंट तो यहाँ पे हमें क्या करना अभी? है अभी स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने हैं तो देखिए कैसे हो जाएगा ये माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस एस वन इज इक्वल टू माइनस वन सेकेंड कंस्टेंट देखिए माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस एस टू इज इक्वल टू माइनस टू ठीक है वेयर एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू आर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ठीक है तो इस तरीके से हमने क्या किया जो गिवन एल पी पी था उसको कन्वर्ट कर लिया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में उसके बाद में हमें क्या करना रहता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालना रहता है तो देखिए कैसे निकालेंगे हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज गिवन बाय एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम जीरो पुट करेंगे तो कैसे मिल जाएगा देखिए फर्स्ट कंस्टेंट में क्या मिलेगा अपने को एस वन इज इक्वल टू माइनस वन मिलेगा और सेकंड कंस्टेंट में एस टू इज इक्वल टू माइनस टू मिलेगा तो इस तरीके से अभी तक हमने क्या किया जो कंस्टेंट थे उसको लेस और इक्वल टू टाइप में कन्वर्ट किया सेकंड थिंग क्या किया हमने जनरलाइज फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जहाँ पे हमने इक्वल टू में कन्वर्ट किए अपने कंस्टेंट और यहाँ पे हमने स्लैक वेरियबल्स भी ऐड किए हैं देखिए यहाँ पे और एक चीज करनी अपने को ये जो मैक्सिमाइजेशन फंक्शन है वहाँ पे भी हमें स्लैक वेरिएबल्स ऐड करने हैं विथ जीरो को देखिये जीरो एस वन प्लस जीरो एस टू उसके बाद में हमने क्या किया है? यहाँ पे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन फाइंड आउट किया एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू जीरो पुट की यहाँ पे हमें एस वन मिल गया माइनस वन और एस टू मिल गया माइनस टू ठीक है अभी ये इन्फॉर्मेशन यूज करके हमें क्या करना है इनिशियल टेबल बनाना है तो देखिए यहाँ पे कौन सा कॉलम रहेगा ये एक्स बी का कॉलम रहेगा यहाँ पे देखिए एक्स बी है यहाँ पे बेसिक वेरिएबल्स है और ये बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू रहेगी ठीक है तो देखिए बेसिक वेरिएबल्स अभी हम कौन कौन से लेंगे यहाँ पे एस वन और एस टू एस वन और एस टू ठीक है और अपने पास बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से दूसरे एक्स वन एक्स टू एस वन और एस टू अभी जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहाँ से हम एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू की कोपिशन लिखेंगे तो देखिए जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एक्स वन का कोएफिशिएंट क्या है माइनस थ्री एक्स टू का क्या है माइनस वन एस वन का है जीरो एस टू का है ज़ीरो तो हम वो वैल्यूज यहाँ पे लिख के लेते हैं एक्स वन का कितना आ गया माइनस थ्री एक्स टू के कितना है माइनस वन एस वन का है जीरो एस टू का है जीरो यहाँ पे भी एस वन का कोईफिशन जीरो एस टू का कोईफिशेंट क्या रहेगा जीरो ठीक है और यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कंस्टेंट वन और कंस्टेंट टू के कोईफिशेंट लिखेंगे ये देखिए एक्स वन का क्या है माइनस वन एक्स टू का क्या है माइनस वन एस वन का है वन और एस टू का जीरो और एक्स बी में ये वैल्यू लिखेंगे हम माइनस वन तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस वन एक्स वन का कोविशन क्या है माइनस वन एक्स टू का है माइनस वन एस वन है वन एस टू है जीरो सेम तरीके से हम लिखेंगे फॉर सेकंड कंस्टेंट देखिए माइनस टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस थ्री एस वन है जीरो और एस टू है वन और उसके वैल्यू देखिए यहाँ पे सेकंड कंस्टेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस टू तो देखिए इस तरीके से ये वैल्यूज हमने अभी पुट कर लिया अभी हमें क्या करना है यहाँ पे जेड जे की वैल्यू निकालनी है जेड जे की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो कितना आ गया यहाँ पे जीरो आ गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया जीरो आ गया यहाँ पे जीरो होने की वजह से जेड जे की वैल्यू पूरी क्या आ जाएगी यहाँ पे जीरो आ जाएगी ठीक है उसके बाद में हमें क्या कैलकुलेट करना है जेड जे माइनस सी जे अभी देखिये झेरजे की वैल्यू है अपने पास और ऊपर क्या है यहाँ पे सीजे की वैल्यू है तो जीरो माइनस माइनस थ्री तो ये कितना आ गया थ्री आ गया ये कितना आ गया वन ये जीरो आ गया और ये जीरो आ गया ठीक है तो इस तरीके से आप इनिशियल टेबल में देख सकते हो कि झेरजे माइनस सीजे की जितने भी वैल्यूज है वो क्या है ग्रेटर देन दैन इक्वल टू जीरो है राइट और सेकंड थिंग हमें यहाँ पे डुअल सिंप्लेक्स मेथड में चेक करनी रहती है एक्स बी की वैल्यूज अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स बी की जो दोनों वैल्यूज है वो दोनों क्या है निगेटिव है राइट तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं ये तो हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया लेकिन हमारा ये फिजिबल सोल्यूशन नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्सपी की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन अरुकोड टू जीरो नहीं है वो एक्सपी की वैल्यू क्या है लेस देन जीरो है इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं सिंस ऑल जे जे माइनस सी जे ग्रेटर देन अरोकोड टू जीरो देखिए यहाँ पे राइट एंड ऑल एक्स एक्सपी लेस देन जीरो क्योंकि दोनों वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे निगेटिव है द करंट सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन राइट तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आगे प्रोसीड करना पड़ेगा तो देखिए आगे हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे की रो और की कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा देखिए जब हम सिंप्लेक्स मेथड या फिर टू फेज मेथड सॉल्व करते थे तो वहाँ पे सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते थे कि कॉलम फाइंड आउट करते थे और उसके बाद में की रो फाइंड आउट करते थे राइट right? लेकिन डुअल सिंप्लेक्स मेथड में हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं की रो फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद में हम मैक्सिमम रेशों सेलेक्ट करते हैं और की कॉलम फाइंड आउट करते हैं तो ये डिफरेंस रहेगा आपका सिंप्लेक्स मेथड में और डुअल सिंप्लेक्स मेथड में आगे समझ में ठीक है तो चलिए अभी, अभी हमें क्या करना है यहाँ पे जो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू चेक करेंगे यहाँ पे देखिए क्या है माइनस वन यहाँ पे देखिए माइनस टू तो यहाँ पे जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू रहेगा ना दोनों में से वो हमें सिलेक्ट करना है तो आप देखिए यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है माइनस टू बराबर इसलिए माइनस टू कहाँ पर आ रहा है एस टू के रो में आ रहा है तो यस टू क्या हो गया अभी अपना लिविंग वेरिएबल वो हो गया तो अभी हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये बन गया अपना एस टू क्या बन गया लिविंग वेरिएबल ठीक है अभी हमें ये क्या है कि रो बन गया अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कॉलम फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे हम देखें कि रो कैसे सिलेक्ट किया हमने सिलेक्ट मोस्ट निगेटिव वैल्यू फ्रॉम एक्स बी एकदम तो कार खुकों टाप ने दादा देखिए कीरो कैसे सिलेक्ट करेंगे हम बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू फ्रॉम एक्स पी जो कि है माइनस टू माइनस टू कहा मिल गया हमें एस टू में तो दैट इज एस टू क्या हो गया अपना लिविंग वेरिएबल हो गया ठीक है अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कॉलम फाइंड आउट करना है कि कॉलम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम मैक्स ऑफ जे जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाय अभी देखिए एस टू क्या है लिविंग वेरिएबल ना तो यहाँ पे लिखेंगे हम एस टू और एस टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन जीरो होनी चाहिए ठीक है तभी हम उस पर्टिकुलर कॉलम का वहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैक्स ऑफ जे जे माइनस सी जे यहाँ पे देखिए थ्री डिवाइडेड बाय माइनस वन एस टू है ना सॉरी यहाँ पे देखिए थ्री डिवाइडेड क्या करना पड़ेगा माइनस टू नेक्स्ट देखिए वन डिवाइडेड बाय माइनस थ्री यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यूज क्या है जीरो है लेकिन अपनी कंडीशन क्या है एस टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए निगेटिव होनी चाहिए राइट तो यहाँ पे क्या है जीरो है तो इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो डैश लिखेंगे नेक्स्ट देखिए झेझे माइनस जीरो एजे जीरोस टू की वैल्यू क्या है वन है वन इज नॉट लेस देन जीरो तो वहाँ पे भी हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे ठीक है तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे अभी हम क्या लिख सकते हैं मैक्स ऑफ माइनस थ्री बाई टू और माइनस वन बाई थ्री तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ गई अपनी मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी माइनस वन बाई थ्री राइट यानी कि कौन सी वैल्यू मिल गई अपने को एक्स टू की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री वैल्यू कहाँ पे मिली अपने को टेबल में यहाँ पे देखिए वन डिवाइडेड बाई माइनस थ्री राइट तो ये ये पर्टिकुलर कॉलम क्या हो गया अभी अपना की कॉलम हो गया एक्स टू को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आ गया समझ में कैसे किया हमने हमने पे पे ये देखिए दो वैल्यूज वैल्यू बाई टू और माइनस वन बाई थ्री दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी माइनस वन बाई थ्री माइनस वन बाई थ्री वैल्यू कहां पे मिल रही है अपने को x2 के कॉलम में मिल रही है इसलिए x2 क्या हो गया अपना अभी एंटरिंग वेरिएबल हो गया इसलिए देखिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अभी एक्सटू क्या है अपना लिविंग वेरिएबल हो गया ठीक है और उसकी जगह पे कौन आएगा अभी X2 टू इज एंटरिंग वेरिएबल ठीक है एस टू जाएगा और उसकी जगह पे आएगा अभी एक्स टू तो अभी देखिए ये अभी एक नया वाला टेबल बना के लेते हैं हम इट्रेशन वन का टेबल उसके पहले देखिए इटरेशन वन का टेबल बनाने से पहले आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बतातूँ देखिये एस वन और एस टू जो है ये दोनों क्या फॉर्म कर रहे है? यहाँ पे देखिए एस वन की वैल्यूज़ क्या है वन जीरो और एस टू की वैल्यू क्या है जीरो वन यानी कि एस वन और एस टू यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे ठीक है थीके? अभी आप देख सकते हो कि एस टू क्या है अपना लिविंग वेरिएबल एक्स टू क्या है एंटरिंग वेरिएबल और माइनस थ्री क्या है अपना की एलिमेंट है राइट तो अभी हमें क्या करना है एस टू जा रहे हैं तो एस टू के जो भी वैल्यूज थे जीरो और वन तो सेम तरीके से अपने को यहाँ पे माइनस वन की जगह पे क्या लाना है जीरो लाना है और माइनस थ्री की जगह पे क्या लाना है वन लाना है राइट और सपोज़ मैं इस पर्टिकुलर रो को अगर मैं बोल दूँ ये आर वन और इसको अगर मैं बोल दूँ आर टू ठीक है तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा नेक्स्ट टेबल के लिए तो यहाँ पे माइनस थ्री की जगह पे क्या आना चाहिए वन आना चाहिए तो देखिए यहाँ पे हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा अभी अगर मैं सपोज़ नए टेबल में इसको मैं आर टू डैश बोल दूँ तो आर टू डैश कैसे कैसे बन जाएगा यहाँ पे माइनस आर टू डैश में यहाँ पे वन कैसे आएगा तो देखिए इस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर मैं माइनस थ्री से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा वन मिल जाएगा यानी कि आर टू डैश इज इक्वल टू कैसे हो जाएगा आर टू डिवाइडेड बाय माइनस थ्री आ गया समझ में देखिए बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना है आर टू डैश की नई वैल्यूज वैल्यूज कैसे मिलेगी यहाँ पे वन लाना है तो आर टू डैश इज इक्वल टू आर टू डिवाइडेड बाई माइनस थ्री तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके हमें ये नए वाले वैल्यूज अभी कैलकुलेट करने हैं अभी यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट इटरेशन का टेबल है अपना यहाँ पे भी एक्स पी एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू जो अपने बेसिक वेरेबल्स थे वो लिख के लिए उनका जो कोफिशन था ऑब्जेक्टिव फंक्शन से वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोईफिशन यहाँ पे लिख के दिए एक्स वन का माइनस थ्री एक्स टू का माइनस वन एस वन का ज़ीरो और एस टू का जीरो ठीक है, है और एक्स पी है यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी बी है यानी सीबी क्या रिप्रेजेंट करता है जो अपने बेसिक वेरिएबल्स हम पे लेंगे उनका स्लैक वेरिएबल जो भी यहाँ पे आएंगे अभी बेसिक वेरिएबल्स और उनका कोई क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे और जो नए वाले रोज बनेंगे फर्स्ट रो को मैं बोलूंगी अभी आर वन डैश और सेकंड रो को बोलूंगी आर टू डैश ठीक है अभी यहाँ पे देखिए एस वन एज इट इज रहेगा और एस टू की जगह पे कौन आ रहा है एक्स टू आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी यहाँ पे लिखूंगी मैं एस वन और यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं x2 s1 का कोई देखिए क्या है जीरो है और x2 का का देखिए क्या है माइनस वन अभी देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना था आर टू डैश की वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी तो देखिए मैंने क्या बोला आर टू डैश की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आर टू डिवाइडेड बाई थ्री तो देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया है आर टू के वैल्यूज ओल्ड वैल्यूज क्या क्या थ्री माइनस टू माइनस टू माइनस थ्री जीरो और वन यहाँ पे देखिए माइनस टू माइनस टू माइनस थ्री जीरो और वन इन सब वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगी माइनस थ्री से डिवाइड करूँगी क्योंकि जो अपना ये की एलिमेंट है की एलिमेंट को मुझे वन बनाना है राइट right? तो देखिए कैलकुलेशन करने के बाद मुझे नए वाले वैल्यूज़ क्या मिल गए टू बाई थ्री टू बाय थ्री यहाँ पर आ गया वन ये देखिए वैल्यूज़ की आ गई वन जी यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई जीरो और इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन बाय थ्री तो ये सारे वैल्यूज में अभी कहाँ पे पुट करूंगी आर टू डैश में तो देखिए इस तरीके से अपने को नए वाले वैल्यूज मिल गए आर टू डैश के अभी हमें क्या करना है आर वन डैश के लिए कैलकुलेशन करना है अभी देखिए अपने को आर वन डैश के नए वाले वैल्यूज निकालने हैं तो यहाँ पे माइनस वन के जगह पे हमें क्या लाना है जीरो लाना है अभी यहाँ पे देखिए नया कैलकुलेशन क्या है तो यहाँ पे नई वाली वैल्यूज अपने आर टू डैश में क्या मिल गई है वन मिल गई है राइट तो यहाँ पे वन है और यहाँ पे माइनस वन है यानी कि हम कैसे क्या कैलकुलेशन करेंगे आर वन डैश के लिए आर वन प्लस आर टू डैश तो देखिए आर वन डैश के नए वाले वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे आर वन प्लस आर टू डैश तो देखिए आर वन के ओल्ड वैल्यूज क्या क्या है माइनस वन माइनस वन माइनस वन वन और जीरो और आर टू डैश के नए वाले वैल्यूज अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है तो ये नए वाले वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट किया तो देखिए आर वन डैश के नए वाले वैल्यूज़ अपने को क्या मिल गए माइनस वन बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री जीरो वन और माइनस वन बाय थ्री अभी नए वाले वैल्यूज हम पुट करेंगे अपने फर्स्ट इटरेशन के टेबल में वन और माइनस वन बाय थ्री तो इस तरीके से हमने नए वाले वैल्यूज यहाँ पे निकाल लिए अभी उसके बाद में हमें क्या कैलकुलेट करना है झेडजे तो देखिए झेडजे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया देखिए ये आ गया माइनस टू बाय थ्री ये जीरो होने की वजह से पूरे वैल्यू से जीरो आ जाएंगे सिर्फ अपने को नीचे का कर कैलकुलेशन क्या करना है यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा माइनस टू बाय थ्री ये कितना आ गया माइनस वन ये आ गया जीरो और ये क्या हो गया वन बाई थ्री उसके बाद में हमें क्या कैलकुलेट क्या क्या? करना अभी झेड जे माइनस सी जे ये झेड जे माइनस सी जे की वैल्यू क्या है माइनस टू बाई थ्री माइनस माइनस थ्री तो ये कितना आ जाएगा ये सेवन बाई थ्री आ जाएगा कितना माइनस टू बाई थ्री माइनस माइनस थ्री तो ये आ जाएगा सेवन बाई थ्री माइनस वन माइनस माइनस वन तो ये कितना हो जाएगा देखिए जीरो ये कितना आ जाएगा जीरो ए और ये कितना आ जाएगा वन बाई थ्री तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन के पूरे कैलकुलेशन कर लिए अभी देखिए अपने को दो कंडीशन यहाँ पे चेक करने पहला कौन सा झेड जे मानेस सीजे की वैल्यू और नेक्स्ट एक्स बी की वैल्यू अभी आप इस टेबल में देख सकते हो कि झेजे माइनस सी जे की जितने भी वैल्यू से वो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू तो जीरो है राइट अभी हम चेक करेंगे एक्सपी की वैल्यू अभी देखिए यहाँ पे एक्सपी के दो वैल्यूज है एक वैल्यू है निगेटिव और दूसरी वैल्यू क्या है पॉजिटिव यानी कि दोनों में से एक वैल्यू है जो निगेटिव आ रही है अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग तभी हमें फिजिबल सोल्यूशन मिलता है जब एक्सपी के दोनों वैल्यूज क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक वैल्यू क्या मिल रही है हमें निगेटिव मिल रही है राइट सिंस ऑल जेड जे माइनस देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स पी इज इक्वल टू यहाँ पे एक वैल्यू क्या है माइनस वन बाई थ्री विच इज लेस देन जीरो करंट सोल्यूशन इज नॉट एन ऑप्टीमल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इसलिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आगे प्रोसेस करना पड़ेगा यानी कि फिर से यहाँ पे हमें क्या करना है की कॉलम और की रो को सिलेक्ट करना है राइट तो देखिये की रो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे यूजिंग द मोस्ट निगेटिव वैल्यू अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों में से एक ही वैल्यू है निगेटिव तो ये एस वन क्या हो जाएगा अभी अपना कि रो हो जाएगा यानी कि लिविंग वेरिएबल हो जाएगा इसलिए मैं अभी क्या करती हूँ एस वन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ ठीक है उसके बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कॉलम फाइंड आउट करना है तो कि कॉलम फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे रेशो फाइंड आउट करना रहता है हियर एस वन इज लिविंग वेरिएबल टू सिलेक्ट द की कॉलम सिलेक्ट मैक्सिमम रेशो अभी देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है मैक्स ऑफ जेड जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाय एस वन अभी अपना की रो कौन सा है यहाँ पे देखें एस वन है अपना की रो तो मैं डिवाइड करूँगी एस वन से और एस वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए इट शुड बी लेस देन जीरो ठीक है तो देखिए एक कैसे कैलकुलेशन करूँगी मैं मैक्स ऑफ जेड जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाय एस वन यहाँ पे देखिए जे जे माइनस सी जे डिवाइडेड बाय एस वन तो सेवन बाय थ्री डिवाइडेड बाय माइनस वन बाय थ्री सेवन बाय थ्री डिवाइडेड बाय माइनस वन बाय थ्री सेवन बाय थ्री डिवाइडेड बाय माइनस वन बाय थ्री नेक्स्ट देखिए ये क्या है यहाँ पे देखिए जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग एस वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए निगेटिव होनी चाहिए राइट right? तो यहाँ पे हम जीरो और जीरो वैल्यूस है तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे यहाँ पे भी देखिए एस वन की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है तो यानी कि यहाँ पे भी हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे और नेक्स्ट देखिए वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई माइनस वन बाय थ्री तो यहाँ पे लिखूंगी मैं डैश यहाँ पे भी लिखूंगी डैश और नेक्स्ट क्या है वन बाई थ्री डिवाइडेड बाय माइनस वन बाय थ्री तो देखिए हम दोनों में से हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये देखिए कितना हो जाएगा माइनस सेवन आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा माइनस वन यानी कि यहाँ पे मैक्स वैल्यू क्या मिल गई अपने को माइनस वन मिल गई राइट तो माइनस वन वैल्यू हमें कहाँ पे मिल रही है लास्ट कॉलम में मिल रही है राइट यानी कि कहाँ पे मिल रही है यहाँ पे देखिए एस टू में मिल रही है राइट तो एस टू अभी क्या बन गया अपना एंटरिंग वेरिएबल बन गया और एस वन क्या हो गया लिविंग वेरिएबल बन गया तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ दैट इज एस टू इज एंटरिंग वेरिएबल तो देखिए अभी मैं क्या करूंगी यहाँ पे एस टू को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी राइट right? तो देखिए एस वन क्या हो गया अपना लिविंग वेरिएबल हो गया और एस टू क्या हो गया अपना एंटरिंग वेरिएबल हो गया और की एलिमेंट क्या है माइनस वन बाय थ्री अभी देखिए जब हम सेकंड इटरेशन का टेबल बनाएंगे तो वहां पे देखिए यहाँ पे एस टू राइट तो यहाँ पे हमें क्या करना है माइनस वन बाई थ्री की जगह पे जो अपना की एलिमेंट होता है ना key element, यानि की एलिमेंट यानी कि की रो और की कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट उसको हमें क्या करना रहता है वन करना रहता है और जो दूसरी वैल्यू रहेगी की कॉलम में आने वाली उसको हमें करना है जीरो तो यहाँ पे देखिए माइनस वन बाई थ्री को हम वन कैसे ला सकते हैं यहाँ पे देखिए आर वन डबल डैश की वैल्यू आप कैलकुलेट करना है अगर हम यहाँ पे माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं आर वन डैश को क्या करना है देखिए आर वन डैश को अगर हम माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू मिल जाएगी अपने को वन मिल जाएगी तो मैं देखिए कैलकुलेशन कैसे करूंगी आर वन डबल डैश इज इक्वल टू आर वन डैश इंटू माइनस थ्री देखिए आर वन डैश की ओल्ड वैल्यूज क्या थी माइनस वन बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री जीरो वन और माइनस वन बाय थ्री उसको मैं क्या करूंगी माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करूंगी ठीक है तो यहाँ पे देखिए आर वन डबल डैश की नए वाले वैल्यूज क्या मिल गई अपने को वन वन जीरो माइनस थ्री और वन अभी यहाँ पे देखिए एस वन क्या है लिविंग वेरिएबल है और एस टू क्या है एंटरिंग वेरिएबल तो एस वन जाएगा यहाँ पे और मैं क्या लूंगी यहाँ पे एस टू और यहाँ पे क्या आएगा एक्स टू देखिए यहाँ पे मैं क्या लूंगी अभी एस टू और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स टू एस टू का देखिए कोस टू का जीरो है और एक्स टू का क्या है यहां पे गलती हो गई देखिए बेसिक वेरिएबल ना बेसिक वेरिएबल हमें हमें क्या लिखना है यहां पे क्या आ जाएगा अपना एस टू आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा एक्स टू आ जाएगा ठीक है? है और देखिए एस टू का कोई फिशन क्या है जीरो है और एक्स टू का कोई फिशन क्या है माइनस वन ठीक है अभी हमें क्या करना है कैलकुलेशन करना है तो यहां पे देखिए आर वन डबल डैश की नए वाले वैल्यू अभी अपने को क्या मिल गए आर वन डबल डैश की देखिए वैल्यूज वन वन ज़ीरो माइनस थ्री और वन तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे वन वन ज़ीरो माइनस थ्री और वन अभी देखिए हमें आर टू डबल डैश की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है अभी यहाँ पे आर वन डबल डैश की वैल्यू देखिए कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे हमने वन ला लिया राइट अभी हमें क्या करना है यहाँ पे ज़ीरो लाना है माइनस वन बाई थ्री की जगह पे क्या लाना है ज़ीरो लाना है तो देखिए क्या किस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें आर टू डैश का यूज़ करके और आर वन डबल डैश का यूज़ करके क्योंकि हमें आर वन डबल डैश के नए वाले वैल्यूज अपने को यूज़ करना है आर टू डबल डैश के वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए तो देखिए मैं क्या करूँगी यहाँ पे आर वन डबल डैश के जो नए वाले वैल्यूज़ है ये वाले वैल्यूज़ हैं उनको मैं क्या करूंगी थ्री से डिवाइड करूंगी और उसके बाद में वो आर टू डैश में ऐड करूँगी तो देखिए ये मैंने कैलकुलेशन किया है यहाँ पे तो नए वाले आर टू डबल डैश की वैल्यूज़ देखिए क्या क्या आ जाएगी वन 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 माइनस वन और जीरो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन मैंने करके रखा है अगर आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप मेरा वीडियो ये पॉज कर लेना और यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन किया है वो आप अच्छे से देख सकते हो सो so दैट मतलब आपके जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे जितने भी कैलकुलेशन है मैंने पूरे करके रखे हुए हैं ठीक है तो देखिए अभी हम क्या करेंगे आर टू डबल डैश की ये नए वाले वैल्यूज अपने इटेशन टू में पुट करते हैं ये आगे आपका वन 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 माइनस वन और जीरो यहाँ पे झेर झे निकालेंगे तो ये देखिए ज़ीरो हो गया ये पूरा रो ऊपर का जीरो ही हो जाएगा यहाँ पे जीरो होने की वजह से यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा माइनस वन ये भी कितना आएगा माइनस वन माइनस वन प्लस वन और ये हो गया ज़ीरो अब उसके बाद में निकालेंगे झेड जे, जे माइनस सी जे तो देखिए माइनस वन माइनस माइनस थ्री तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका टू हो जाएगा माइनस वन माइनस माइनस वन तो ये कितना आ जाएगा माइनस वन प्लस वन तो ये कितना हो गया ज़ीरो हो गया राइट वन माइनस ज़ीरो वन ज़ीरो 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 ठीक है तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी हमने क्या किया है ये कौन सा टेबल है अपना सेकंड इटरेशन का टेबल है यहाँ पे मैं लिख के देती हूं ये है अपना सेकंड इटरेशन अभी देखिए यहाँ पे हमें दोनों कंडीशन चेक करने हैं फर्स्ट थिंग अपने को चेक करना है जे जे मैंने सी सीजे की वैल्यू ग्रेटर देन टू जीरो है कि नहीं और एक्सपी के जो भी वैल्यूज है यहाँ पे देखिए थोड़ी गलती होगी मेरे से यहाँ पे साइड में देख लीजिए आप यहाँ पे वन है और यहाँ पे भी क्या है वन है राइट right? यानी कि एक्सपी की वैल्यू भी क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है और जे जे माइनस सी जे की भी वैल्यू क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो यानी कि दोनों कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं राइट right? तो यहाँ पे अभी हम क्या बोल सकते हैं सिंस ऑल जे जे माइनस सी जे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड एक्सपी ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड ऑप्टिम बेसिक फिजिकल सोल्यूशन हैज बीन रीच द ऑप्टिमम सोल्यूशन इज अभी यहाँ पे देखिए एस टू है राइट और क्या है एक्स टू है एक्स टू की वैल्यू क्या है वन है एक्स टू की वैल्यू क्या है वन है एक्स वन नहीं है तो हम क्या करेंगे एक्स वन की वैल्यू क्या पुट करेंगे जीरो पुट करेंगे और यहाँ पे ऑप्टीम सोल्यूशन मैक्स जेड इज इको टू देखिए कैसे निकालेंगे हम ज़ीरो इंटू वन यहाँ पे देखिए ज़ीरो इंटू वन प्लस माइनस वन इंटू वन तो ये देखिए इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया माइनस वन तो ये जो है माइनस वन ये हो गया आपका सोल्यूशन तो मैक्स जेड की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास माइनस वन तो इस तरीके से हमने ये अपना एग्जाम्पल सॉल्व किया है डुअल सिंपलेक्स मेथड से आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा देखिए स्टूडेंट्स स्टेप बाइज मैंने यहाँ पे बताया है आपको फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए थैंक यू